तो दोस्तों जिस तरह से आज हमारी भारतीय रेलवे मोस्ट अट्रैक्टिव और फ्यूचरिस्टिक होती जा रही है, तो वहीं आए दिन रेलवे ने दुर्घटनाओं का भी सामना किया है। रीजन चाहे जो भी हो, ट्रैक पुराने हो चुके हो या फिर सिग्नल सिस्टम में कमी हो या फिर कुछ और, रेल दुर्घटनाएं देखने को तो मिली है। कुछ ही महीने हुए थे बालासोर रेल एक्सीडेंट को लेकर कि एक और घटना बक्सर में भी हो गई, जो कि बेहद ही दर्दनीय थी, और ऐसी ही परिस्थिति आगे भी न देखने को मिले, इसके लिए भारतीय रेलवे की काफी उच्च स्तर से कोशिशें जारी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को एक और बड़ा ऑर्डर दे दिया है। जी हां, वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने रेल दुर्घटनाओं के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। यह ट्रेन हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होगी और ये बहुत ही खास होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रेन डुअल पावर मोड से चलेगी। जी हाँ, यह ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से तो चलेगी ही, साथ में इसे डीजल से भी चलाया जा सकेगा। दुर्घटना स्थल पर जहाँ इसको जाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ये काफी तेज रफ्तार से वहाँ उसके आसपास पहुँच सकेगी। और जैसे ही दुर्घटना स्थल के पास जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से अब वह डीजल इंजन का यूज करेगी और दुर्घटना स्थल के पास पहुँच सकेगी। बात करें इसके डीजल इंजन के पावर की, ये 750 bhp की है। यही नहीं, दुर्घटना स्थल पर इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से ये खुद इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करके देगी। ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के तर्ज पे ही होगी, जिसके एक डब्बे में अस्पताल भी होगा, जिसे काफी सहूलियत मिल पाएगी एक्सीडेंटल एरिया में रिलीफ को लेकर। बात करें इसके स्पीड को लेकर, तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड तेज होनी ही चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, तो वहीं डीजल से 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ पाएगी। बात करें इसके फाइनल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो इसके कुल 40 ट्रेन सेट बनाए जाएंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में ही इसके प्रोटोटाइप को लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी आपको कैसी लगी ये वंदे भारत के तर्ज पे बनने वाली एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन, आप अपनी राय हमें कमेंट जरूर करिएगा। जाते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।